नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको न्यूज कार्यक्रम में बहुत बड़ा न्यूज बताने वाले हैं। चुनावी बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गई है, 24 मार्च का डेट लगा दिया है और इसको सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तैयार हो चुकी है। मैं इस न्यूज में आपको यह बताऊंगा कि चुनावी बॉन्ड क्या है, समझना जरूरी है, बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा, और बहुजन बॉन्ड क्यों नहीं, अथवा एक भीम बॉन्ड ले आए सरकार, क्योंकि बहुजन समाज को, डिप्रेस क्लासेस को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले मैं उन गुमनाम अपने दोस्त को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सहायता किया है। हमारे युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि युवाओं के पास परेशानी थी, आर्थिक सहायता चैनल को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक गुमनाम व्यक्ति ने थोड़ी सी सहायता भेज दी, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। और रही बात ये चुनावी बॉन्ड क्या है, आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा ये कौन सी बॉन्ड है, आखिर ये बला क्या है। मैं आपको बताऊं, 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि हमने सारी प्रक्रिया पूरा कर लिया है, अब हम चुनावी बॉन्ड ला सकते हैं। चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड है, जैसे कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनके ऊपर एक नियम था कि 20,000 रुपये से कम का अगर कोई चंदा उनको दे तो वो उसका नाम पता नहीं बता सकते थे। और करीब करीब जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं, 90% दानकर्ता के बारे में यही कहते थे कि वो 20,000 रुपये से कम दिए हैं, इसलिए नाम ठिकाना कैसे बताऊं, और मात्र 10% का हिसाब दिया करते थे। सरकार का कहना यह है कि हम पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड ला रहे हैं। अब चुनावी बॉन्ड क्या है, इसको पूरी तरह से आप समझ लीजिए। आप स्टेट बैंक में जाएंगे, 1,000 रुपये कैश देंगे, वो 1,000 रुपये का आपको एक बॉन्ड दे देगा। ये 1,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 2,00,000 का, 20,00,000 का भी, इस तरह का बॉन्ड बनाया गया है। वह बॉन्ड आप किसी भी राजनीतिक दल को दे देंगे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल जिसको 1% वोट मिलता हो, जो रजिस्टर्ड हो, वह इस बॉन्ड को ले सकता है। इस बॉन्ड को जब वो बैंक में ले जाएगा तो बैंक उसे कैश दे देगी। कुल मिलाकर राजनीतिक दल को चंदा देने वाला हथियार, इसको आप चुनावी बॉन्ड कह सकते हैं। कैश और पैसा हाथों हाथ ना देकर, चेक काट कर नहीं देकर, आप बॉन्ड के रूप में इन राजनीतिक दल को जो है आप बॉन्ड देंगे, उनको पैसा मिल जाएगा और सरकार बॉन्ड लेने वाले का नाम गुमनाम रखेगी। अब यह कैसे विश्वास किया जाए कि इस देश के बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उद्योगपति इस बॉन्ड को खरीदेंगे बैंक से, और बीजेपी की सरकार है, सत्ता दल की जो सरकार है, सत्तारूढ़ जो भी है, उनको ये बॉन्ड मिल जाएगा और अरबों में रुपया इनको नहीं जाएगा। क्या आपको नहीं लगता इस देश का 85% बहुजन समाज, जो डिप्रेस क्लासेज हैं, जो रोज रोज के आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इन समाज के लिए एक बहुजन बॉन्ड लाया जाता और सरकार ये कहती कि 1,000 रुपये का बहुजन बॉन्ड है, 10,000 रुपये का बहुजन बॉन्ड है, जो बहुजन बॉन्ड लेगा उसको टैक्स में हम बेनिफिट देंगे, और बहुजन समाज में बहुत सारे युवा हैं जो पैसों के लिए तरस रहे हैं, वो कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं लेते, वो फॉर्म नहीं भर पाते, वो स्कूल नहीं जा पाते, इन बच्चों को एक बॉन्ड दे दोगे तो तुम्हें हम इनकम टैक्स में फायदा देंगे। क्या बहुजन समाज के लिए, डिप्रेस क्लासेज के लिए सरकार नहीं सोचेगी? राजनीतिक दल को पैसा देने का रास्ता तो खोज लिया, परंतु जो देश का एक बहुत बड़ा तबका रोटी शिक्षा के लिए मुहताज है, ठोकरे खा रही है, बेरोजगारी का आलम है, क्या बेरोजगारों के लिए आप एक बेरोजगारी बॉन्ड नहीं ला सकते थे? चलो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उनके नाम पे एक भीम बॉन्ड ही ले आते और कुछ टैक्स का बेनिफिट दे देते। देश में बहुत सारे धनवान लोग हैं, वो बॉन्ड खरीदते और इन समाज को भला हो जाता, बेरोजगारों का भला हो जाता, जो धक्के खा रहे हैं, पैसों के लिए मरहूम हो रहे हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको ये बॉन्ड मिल जाता, वो बैंक में जाकर कैश करवा लेते और जो बॉन्ड खरीदता उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता।
लेकिन नहीं, चुनावी बॉन्ड लाया गया है राजनीतिक दल के ऊपर कमान करने का दलील देकर कि चुनावी बॉन्ड होगा तो पता लग जाएगा कि कौन कौन से राजनीतिक दल के पास कितना चंदा जा रहा है। क्या चुनावी बॉन्ड आने के बाद ब्लैक में पैसे नहीं दिए जा सकते? क्या कैश नहीं दिया जा सकता? इसकी क्या गारंटी है? और इन तमाम तथ्यों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में बहस होगी। सर्वोच्च न्यायालय में ये तथ्य रखे जाएंगे कि जो चुनावी बॉन्ड का एक रास्ता खोला गया है इन राजनीतिक दल के खजाने भरने के लिए, तो क्या गारंटी है कि लोग इन दलों को कैश नहीं देंगे? क्या आप इस बात को मानते हैं? चुनाव में जो खर्चे होते हैं, जो दारू के ऊपर खर्चे होते हैं, पोस्टरबाजी होता है, जो गाड़ियां भगाई जाती है, क्या सब के सब चेक और ड्राफ्ट से होता है? क्या कैश की वहां पे मार नहीं होती? अगर चुनावी बॉन्ड आ भी जाएगा, क्या ये राजनीतिक दल को कैश नहीं मिलेगा आम जनता से? क्या धांधली बंद हो जाएगी? कहने का मतलब यह है कि इस देश का एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि बेरोजगार युवा धक्के खा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग परेशान हैं, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा, किसी के पास मकान नहीं, किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं। अगर इन सब के लिए एक बॉन्ड ले आती सरकार और ये कहती कि बहुत सारे धनवान लोग हैं जो ये बॉन्ड खरीदेंगे और इन लोगों को सहायता करेंगे, उनको टैक्स में हम बेनिफिट दे देंगे, तो देश का भला होता। देश के लिए सोचिए जनाब, राजनीतिक दल के लिए सोच रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड लेके आ रहे हैं और राजनीतिक दल को जो चंदा जाएगा वो इस बॉन्ड के थ्रू जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी गंभीरता को देखते हुए, इन तथ्यों को देखते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन को और 24 मार्च की डेट लगा दी, ताकि सरकार ने ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से, यानी आने वाली जो 1 अप्रैल है उस दिन से चुनावी बॉन्ड का ऐलान कर दिया जाएगा कि जिस जिस राज्य में चुनाव होंगे अथवा जो भी देश में राजनीतिक दल हैं वो चुनावी बॉन्ड के जरिए आम जनता से दान ले पाएंगे, और इस तरह से ये लागू करने वाली है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी गंभीरता को देखते हुए 1 अप्रैल से पहले यानी 24 मार्च को फैसला करने का मूड बनाया है। आपका क्या कहना है, चुनावी बॉन्ड आए या बहुजन बॉन्ड? सबसे बड़ी बात यह है, बहुजन समाज को जरूरत है बहुजन बॉन्ड की, इस देश के बेरोजगारों को जरूरत है। आप हमें अपने कॉमेंट बॉक्स के जरिए जरूर सजेस्ट करें इस देश को क्या चाहिए, चुनावी बॉन्ड चाहिए या बहुजन बॉन्ड चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।